हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन आवर कॉलेज चैनल। आज हम आप लोग को इंटरमीडिएट अर्थात कक्षा 11-12 में ट्रांसफॉर्मेशन के पहले टॉपिक का अध्ययन कराएंगे। पहले टॉपिक में एडवर्ब टू होता है और इसे रिमूव अर्थात हटाना होता है। इस टू को हटाएंगे, अर्थ ना बदले, विदाउट चेंज इट्स मीनिंग, अर्थ ना बदले और टू हट भी जाए। जैसे आज एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा। ही इज टोल्ड टू रन, जब इसकी हिंदी निकालेंगे तो वह इतना बूढ़ा है कि दौड़ नहीं सकता है, ये इसकी हिंदी है। जब इस टू एडवर्ब, ये एडवर्ब टू है और ये इन्फिनिटिव टू है, दोनों तरह, एक तरफ एडवर्ब टू हो एक तरफ इन्फिनिटिव टू हो, तो इसे टू को हटाना है, अर्थ ना बदले। तो ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन, अर्थात उधर वाले टू को हटा के उसी जगह पर सो लिखा जाता है, फिर दैट लिखते हैं और फिर वही कर्ता लिखते हैं, आगे कैन नॉट लिखते हैं, कैन नॉट रन। तो आंसर हुआ कि ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन, वह इतना बूढ़ा है कि दौड़ नहीं सकता है। अब इसी तरह इसको भी देख लीजिए, सेम उसी तरह है कि मोहन इज टू फैट टू रन प्रॉपरली, मोहन इतना मोटा है कि ठीक से दौड़ नहीं सकता है। उसी तरह इसको भी बदलेंगे कि टू हटाएंगे, इसकी जगह सो लिखेंगे, फिर आगे के वाक्य में दैट लगा के मोहन की जगह पर प्रोनाउन ही लिखेंगे और कैन नॉट लगा के अर्थ बनाएंगे। तो मोहन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन प्रॉपरली। आसानी से दोनों एक ही तरह के हैं, आप लोग बना सकते हैं। ही वॉज टू पुअर टू बाई ए कार, वह इतना गरीब था कि कार नहीं खरीद सकता था। अगर उधर इज के बजाय वाज आ जाए तो आपको इधर भी पास्ट में करना है, अर्थात कैन की जगह कुड लगाना पड़ेगा। तो होगा कि ही वाज सो पुअर दैट ही कुड नॉट बाई ए कार, कुड नॉट लगाएंगे अगर पहले वाज है तो, बस इतना अंतर है। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, खबर इतनी अच्छी है कि सही नहीं हो सकती है, ये इसकी हिंदी है। तो न्यूज का प्रोनाउन इट बनाएंगे कि द न्यूज इज सो गुड दैट इट, न्यूज का प्रोनाउन इट बनाएंगे, इट कैन नॉट बी ट्रू, इस तरह से बनेगा। सुरेश इज टू प्राउड टू लिसन एनी वन, सुरेश इतना घमंडी है कि किसी की बात नहीं सुनता है। जब कभी इधर प्राउड आए, घमंडी, तो आप उधर कैन नॉट लगाते हैं तो ठीक तो है, लेकिन कम अच्छा माना जाता है, क्योंकि घमंडी आदमी किसी की बात सुन तो सकता है लेकिन सुनता नहीं है या सुनेगा नहीं। ऐसे में कैन नॉट कम ठीक, कि सुन नहीं सकता, कान तो उसके हैं, सुन तो सकता है लेकिन सुनता ही नहीं किसी बात, घमंडी है ना, इसलिए सुनेगा भी नहीं। ऐसे में जब कभी प्राउड इधर हुआ करे तो उधर कैन नॉट के बजाय विल नॉट या डज नॉट ज़्यादा बेहतर होता है। तो सुरेश इज सो प्राउड दैट ही विल नॉट लिसन एनी वन या ही डज नॉट लिसन एनी वन। तो यह परिवर्तन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्राउड आए तो ही के बाद कैन नॉट की जगह पर डज नॉट या विल नॉट ज़्यादा सही होता है। कैन नॉट भी कटेगा तो नहीं, लेकिन कम अच्छा माना जाता है, क्योंकि घमंडी आदमी बात सुन सकता है लेकिन सुनता नहीं है, सुनेगा भी नहीं। तो इस तरह से आप लोगों ने 5 एग्जाम्पल देखा और आसानी से समझ जाएंगे। और ये 5 एग्जाम्पल अगर आप पुस्तक में और देख के बनाएं, इसी वीडियो को
बार बार देख के समझने का प्रयास करें तो एक्सरसाइज आसानी से बन जाएगी और यह टॉपिक का अध्ययन आसानी से आपको आ जाएगा। कक्षा 11 के और 12 के दोनों लड़कियों के लिए ये हितकर है, क्योंकि काफ़ी दिन से स्कूल बंद है। आप लोग घर में अध्ययन करें तो बहुत अच्छे से सारा अध्ययन होता चलेगा। इग्नोर करोगे तो सारी कमजोरी बन जाएगी और थोड़े दिनों में दूर भी नहीं हो सकती। द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब इजली, पेड़ इतना ऊंचा है कि आसानी से नहीं चढ़ा जा सकता है। तो देखो इनमें कर्ता सुरेश जैसे था तो उधर सुरेश का प्रोनाउन ही लिख देते थे, न्यूज का प्रोनाउन इट, ही का प्रोनाउन ही, मोहन का ही, इस तरह लिख लेते थे। लेकिन पेड़ का प्रोनाउन तो इट होता है, तो पेड़ इतना ऊंचा है कि वो चढ़ नहीं सकता, तो पेड़ तो चढ़ नहीं सकता, पेड़ थोड़े चढ़ेगा। ऐसे में आएगा कि कोई नहीं चढ़ सकता है, इसमें कोई कर्ता बना लो कि पेड़ इतना ऊंचा है कि कोई नहीं चढ़ सकता, और कोई के लिए वन या फिर एनी वन कर्ता बना लेंगे। द ट्री इज सो हाई दैट एनी वन कैन नॉट क्लाइंब इजली, या वन कैन नॉट क्लाइंब इजली। तो यहाँ पे इस बात को विशेष ध्यान देना है कि पेड़ इतना ऊंचा है दैट वन कैन नॉट क्लाइंब इजली का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ट्री चढ़ता नहीं है ना। तो फिर भाव देखेंगे, भाव के आधार पर कर्ता अपनी तरफ से एनीवन बना लेंगे। द माउंटेन इज टू हाई फॉर हिम टू क्लाइंब, पहाड़ इतना ऊंचा है, आगे फॉर हिम आ गया, उसके लिए टू क्लाइंब चढ़ना। तो पहाड़ ऊंचा है लेकिन बात केवल उसकी है कि फॉर हिम उसके लिए ज़्यादा ऊंचा है कि नहीं चढ़ सकता है। तो यहाँ पे एनी वन कर्ता नहीं बनाएंगे, जब फॉर हिम ना होता तब एनी वन कर्ता बनाते। अगर फॉर हिम लिखा है तो ही कर्ता बनाएंगे, इसमें फॉर हर लिखा है तो सी कर्ता बनाएंगे, फॉर आगे कोई नेम लिख दिया जाए तो उस नाम को कर्ता बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। अर्थात द माउंटेन इज सो हाई दैट ही कैन नॉट क्लाइंब, ये बनेगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि इधर वाला प्रोनाउन जब इधर नहीं सेट होता है तो या तो फॉर हिम, फॉर हर, फॉर देम वगैरह कुछ लिखा हो तो उनके कर्ता बना लेंगे, या कुछ लिखा ही नहीं, जिसमें लिखा ही नहीं तो एनी वन कर्ता बना लेंगे। अगला, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर हर टू सॉल्व इट, क्वेश्चन उसके लिए, फॉर हर उसके लिए इतना डिफिकल्ट है, इतना कठिन है कि वो सॉल्व नहीं कर सकती, हल नहीं कर सकती है। तो फार हर लिखा है तो सी बना लेंगे इसमें। द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट सी कैन नॉट सॉल्व इट, अगर फार हर ना होता तो एनी वन कैन नॉट सॉल्व इट या वन कैन नॉट सॉल्व इट, ऐसे बनाते। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। द बुक इज टू डिफिकल्ट टू रीड, किताब इतनी कठिन है कि पढ़ी नहीं जा सकती, आगे कुछ लिखा ही नहीं करता उड़ता, तो अर्थ निकलेगा कि किताब इतनी कठिन है कि पढ़ने में बहुत कठिन है, अर्थात कोई नहीं पढ़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में अब बुक तो पढ़ेगी नहीं अपने आप को, पढ़ने वाला तो कोई दूसरा होगा, तो बुक का प्रोनाउन नहीं यूज होगा। अगर यूज होगा तो उसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे कि यह पढ़ी नहीं जा सकती है, जैसे द बुक इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी रेड, यह पढ़ी नहीं जा सकती है। अगर एक्टिव बनाएंगे तो कोई नहीं पढ़ सकता है। द बुक इज सो डिफिकल्ट दैट एनी वन कैन नॉट रीड, ऐसे बनाओ एनी वन कैन नॉट रीड, या फिर उसके पैसिव को बना लो दैट इट कैन नॉट बी रेड। अब आपकी इच्छा है, चाहे पैसिव बना लो चाहे एक्टिव बना लो, लेकिन इस तरह से बनते हैं। अब ये वाक्य कम समझ में आए हो तो आप लोग वीडियो को थोड़ा पीछे करके उसको दो तीन बार सुनिए और सामने पुस्तक रखिए, अन्य वाक्यों को उसी तरह से बनाने का प्रयास करिए तो आसानी से बना ले जाओगे। ये अध्ययन है, बहुत बारीकी से अध्ययन करना चाहिए, नहीं तो कोई गहराई की पढ़ाई में गहराई होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें अच्छे से आता है। सीमा इज टू ईगर फॉर प्रेज, सीमा अपनी प्रशंसा के लिए बहुत उत्सुक है, ईगर उत्सुक। अब इसमें एडवर्ब टू तो आया है
लेकिन जैसे इनमें इन्फिनिटी वाला टू रहता था तो वो आया ही नहीं, एक एडवर्ब टू केवल आया है। ऐसी स्थिति में आपको तीन ये लिख दिया है एक्सट्रीमली यूज कर सकते हैं इस टू की जगह पर, या तो टू की जगह एक्सट्रीमली कर लो अत्यधिक जिसका होता है, या ओवर का अर्थ भी अत्यधिक होता है उसको यूज कर सकते हैं उसी टू की जगह पर, या फिर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट उचित सीमा से परे अर्थात हद से ज़्यादा बेहद, तो बेहद यूज करना है तो लास्ट में यूज कर सकते हो वाक्य के अंत में। जैसे समझिए सीमा इज सो ईगर, नहीं सीमा इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज, चाहे ये बनाओ सीमा इज ओवर ईगर फॉर प्रेज, इनमें कोई लगाया तो टू की जगह लगाया, या फिर सीमा इज ईगर, ये हटा दो, सीमा इज ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ऐसे बनेगा। दूसरा मनीष इज टू ईगर फॉर हिज रिजल्ट, मनीष अपने रिजल्ट के लिए बहुत उत्सुक है, तो ये टू हटा के इन दो में कोई एक लगाओ, एक आध वर्ड और एग्जेक्टिवली लगा सकते हो और एक आध शब्द लगा सकते हो, लेकिन ये ठीक है आसान है इन्हीं को लगाइए। मनीष इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर हिज रिजल्ट, या मनीष इज ओवर ईगर फॉर हिज रिजल्ट, या मनीष इज ईगर फॉर हिज रिजल्ट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ऐसे बनाएंगे। द वेदर इज टू हॉट, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, ये टू का अर्थ बहुत अधिक होता है अत्यधिक, इसीलिए अत्यधिक की मीनिंग लगाई जाती है इधर, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है। द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट या ओवर हॉट, या फिर द वेदर इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, तो एडवर्ब टू को हटाना है। अगर परीक्षा में वाक्य लिख दिया जाए और ब्रैकेट में रिमूव टू लिख दे तो यही आंसर है, अगर वो निगेटिव लिख दे कि निगेटिव बनाओ तो भी यही बनेगा आंसर है, अगर वो कॉम्प्लेक्स लिख दे तो भी यही बनेगा वही आंसर है। तो तीनों अगर आ जाए, रिमूव टू आ जाए या कॉम्प्लेक्स आ जाए या निगेटिव आ जाएगा, तो आंसर आपको यही बनाना है। और सरल भी टॉपिक है, कठिन नहीं है, एक दो बार दो तीन बार इस वीडियो को देखें और अपनी पुस्तक के सारे एक्सरसाइज करें, आसानी से हो जाएंगे। तो आज के लिए बस ये पूरा टॉपिक हो गया है, आज के लिए बस इतना ही, और अगला टॉपिक नेक्स्ट डे बताएंगे। थैंक्स टू ऑल।